हम कभी आपको प्रेशर नहीं देंगे कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महत्व क्या है, कभी अपने घर के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो सके तो हाथ से ही चंदन से ही लिख कर देखना, हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर कर देखना, बन सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेना, हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय भगवान शंकर के मंदिर हो वहां पर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने खर्चे से वहां लगा कर देखना, आते जाते व्यक्ति के मुख से बुलवा कर देखना कि उस मंत्र के जाप का फल क्या होता है। और हम पर भरोसा मत करो, सियोर वाले महाराज पर विश्वास मत करो, भरोसा करो शिव महापुराण पर, शंकर जी की शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदो और उसको पढ़ो। विद्येश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख का दर्शन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले के मुखाग्रविंद का दर्शन हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल दे देता है। उसे पढ़ो, अध्ययन करो, ज्ञान प्राप्त करो। हम पर भरोसा नहीं करना, हमारी बात पर भरोसा। आपको लगे कि महाराज जी बोल रहे हैं तो एक बार पढ़ के देखो, आपको लगे कि महाराज जी ने कहा है तो हम पढ़ के देखेंगे, पढ़ो, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा तो अध्ययन कर सकते हो, पढ़ो। हमने कभी प्रेशर नहीं दिया कि आप मंत्र बोलो, हमने कभी प्रेशर नहीं दिया कि आप शंकर के मंदिर जाओ, हमने कभी तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं दिया कि तुम्हें मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाना है। ये तो तुम्हारे दिल की बात है, ये तुम्हारे मन की बात है। दुनिया तुमको रोकने का प्रयास करेगी, दुनिया तुम्हें मंदिर जाने से रोकने का प्रयास करेगी, पर याद रखना, अपने भीतर एक बात का स्मरण रखना, भगवान शिव से कहते रहना मेरे भोलेनाथ, मेरे शरीर को और मेरे देश को किसी के पराधीन मत करना, मेरे भोलेनाथ मेरे शरीर को और मेरे देश को किसी के पराधीन मत करना। ये शरीर अगर बेकार हो जाएगा तो दूसरे हमको कपड़े पहनाएंगे, दूसरे हमको चाय पिलाएंगे, दूसरे हमारे हाथ पकड़कर हमको लेकर जाएंगे। ये शरीर किसी के पराधीन ना हो और मेरा भारत देश किसी के पराधीन ना हो कि लोग कहें कि हम चलाएंगे इसको, ना कभी हमारा देश किसी के पराधीन ना हो, ये शरीर किसी के पराधीन ना हो। भगवान से प्रार्थना करना, भोलेनाथ ऐसी कृपा करना मेरे प्राण छूटे तब तक मेरा शरीर काम करता रहे, चलता रहे और तेरा भजन होता रहे। दुनिया ठोकर दे दे, दुनिया धक्का मार दे, दुनिया अपशब्द कह दे, जब आखिरी में डॉक्टर भी कह दे कि अब मेरे पास इसका इलाज नहीं, अब तो वो जाने, तब आखिरी में उस परमात्मा उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, उसकी दया बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप बोलो, हमारा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि शंकर जी के मंदिर जाओ, हमारा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि शिव की स्तुति करो, शिव महापुराण की कथा सुनो। ये तो आपका दिल जिस दिन बोल जाए, आपको लगे मेरा काम नहीं हो रहा, आपको लगे दुनिया के धक्के बहुत खाली है, आपको लगे मैं बहुत तकलीफ में जिंदगी जी रहा हूं, आपको लगे मेरा जीवन बहुत कष्टमय चल रहा है, उस दिन अपने घर का एक लोटा जल भरना और अपने नजदीक के शिवालय में पहुंच जाओ। जिस दिन आपको लगे कि मेरी जिंदगी कष्ट में चल रही है, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मेरा मन भगवान चित्त वृत्ति ठीक नहीं चल रही, उस दिन अपना एक लोटा जल अपने घर का भरो और शिव के मंदिर पहुंच जाओ। आ जाओ, कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी, प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भूत में खजाना कुबेर का।
हे गंग धार मुक्ति द्वार ओम कार तू भोले ओ आयो शरण के पांच जन एक पत्र देखिए। मैं शिप्रा गुप्ता भुआ बिछिया जिला मंडला मध्य प्रदेश की निवासी हूं। मैं छिपरा गुप्ता भुआ बिछिया जिला मंडला मध्य प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बिलपत्र ले जाना। ये बच्चा आया है क्या साथ में? अगर ये बच्चा आया है, अगर ये बालक आया हो, 19 वर्ष का पुत्र है ये, अगर आया हो तो साथ में आए। मैं छिपरा गुप्ता बुआ बिछिया जिला मंडला मध्य प्रदेश की निवासी हूं। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मैं बेल पत्र का बाबा के जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरे 19 वर्ष के पुत्र सक्षम गुप्ता को शुगर हो गया था। शुगर इतना बढ़ गया कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया जो फेफड़ों तक पहुंच गया। उसे रोज 4 इंसुलिन लगने लगे। शुगर 450 पहुंच गई। 15 दिन आईसीयू में एडमिट रहा। डॉक्टर के हिसाब से इसको इंसुलिन अब लेना ही पड़ेगा। अब हम घबरा गए कि जब शुगर इतनी हो गई और इंसुलिन हमेशा लेना है तो थोड़ी चिंता व्याप गई। मैंने रोज आपकी कथा सुनी और आपके कथा पर मैंने भरोसा कर शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिव जी को जल चढ़ाती, उसका जल लाकर अपने बच्चे को देती। बाबा इंसुलिन बंद नहीं हुए, चलते रहे। अब क्या करूं? तब मैंने बाबा का बेलपत्र उठाकर अपने बच्चे को देना प्रारंभ कर दिया। कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आ गई और उस रुद्राक्ष को जल में गलाती और बाबा को चढ़ाकर बेलपत्री और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको पिला देती। गुरुजी पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया क्योंकि इंसुलिन 4-4 बार उसको देना पड़ रहे थे। अब करूं तो करूं क्या? बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, आज मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरे बेटे का इंसुलिन लेना बंद हो गया और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया। नागपुर का डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है, जिसका इंसुलिन चालू हो जाए उसका इंसुलिन बंद होना बड़ा कठिन है। पर एक महीना भी नहीं हुआ और इंसुलिन बंद कर दिया मेरे बाबा ने। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं और यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है, ये शंभू है, ये ओघड़ी और तेरी। मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।